देखते हैं कि एक मुल्क क्यों तरक्की करता है। क्या ये जो उनसे हमारे ड्राइवर भाई ने बताया कि इंडियंस आप लोग बहुत खुशकिस्मत कौम हो कि आप लोगों को एक मलंग आदमी मिला है जो कि अपने मुल्क के लिए काम करता है, क्या ये आदमी सही बोल रहा है? देखें, मैंने इंडिया के अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर वो कोई भी मजहब की कैद से वो आज़ाद हो गए हैं। वहाँ पर उनकी जो स्टेट है ना वो सेकुलर स्टेट है, नेशन फर्स्ट नहीं, नहीं सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब यह होता है स्टेट जो होती है ना वो न्यूट्रल हो जाती है, वो कहती है भाई हमारा किसी मजहब से तालक नहीं है। मैं आपको उसकी वजह बताऊं, हमारा मुआशरा तकरीबन मोर देन 75% या मोर देन 80% जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म है। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहापसंद सोसाइटी हैं कि हम लोग जो है ना मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है हमारी कि हम लोग जो है ना बच्चा बच्चा चलता फिरता बरूद बन गया इस मुल्क का। कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, मैं आपको सबसे बड़ी बड़ी एक शर्म वाली बात बता दो, उसके यही तो मामला हुआ है पाकिस्तान को मजहबी एक्सट्रीमिस्ट ने। मैं आपको अभी बात बताऊँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे खदशा है, आई हैव एप्रीहेंशंस, मुझे इस चीज़ का बड़ा शदीद खदशा है। वो वक़्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मजीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से निकाल देना है। नरेंद्र मोदी लीडर बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुशियात आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी वो बता, और मैंने जो बात की है अब इस आवाम के शऊर का इम्तिहान है कि वो मेरी बात को कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं। सर हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है, जैसे लोग ऐसे बात तो करते थे कि वो करप्ट है, वो करप्ट है। मैं आगे जाना चाहूंगा अंकल की तरफ। अंकल जी, आपने हमारी पूरी गुफ्तगू सुनी जी जी। ये इन सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत हो गई, मोदी हमसे ज्यादा मजबूत हो गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज्यादा हो गया? मोदी पावरफुल हो गया जी। अंकल आप बड़ी मेहरबानी सर आपकी कि आपने शोर दिलाने में कामयाब हो गए। हम थोड़ी देर पहले अंकल कह रहे थे कि भाई हम ज्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने मेरे हाँ में हाँ मिलाई है, मैं बात सुन रहा था उनकी। देखो ना गाल सुनने वाले पता चल, तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो, हमारा हाल देख लो पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया, सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो, मलंग आदमी आपको मिल गया, ना जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत है। बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है, अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो, वो आप कोई परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो यूनाइटेड अरब अमीरात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि आपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है, मतलब ये बता रहे हैं कि एक ट्रेन चलेगी जो कि मिडिल ईस्ट से इंडिया को जोड़ेगी, दिल्ली तक जोड़ेगी, और वो ट्रेन अंडर वाटर ग्राउंड चलेगी, अंडर वाटर चलेगी वो। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इनकी बातों से आप एग्री करते हैं? देखें इंडिया बड़ी रैपिड तरक्की कर रहा है, ठीक है, और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिजनेस कम्यूनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है, ठीक है। अभी आपने देखे पीछे इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, गालबन G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ आए हैं, ठीक है, और वज़ीर आज़म आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, ठीक है, और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह यह है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं मेरी मास्टर्स एजुकेशन है पॉलिटिकल साइंस में, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में भी, आपकी जुबान से पता चल रहा है जैसे तरह से एक एजुकेटेड बंदा जब बोलता है तो वो फैक्ट्स के ऊपर बात करता, और इससे पहले जब मैंने ये वीडियो एक बुजुर्ग को दिखाई तो वो कहने लगा लानत भेजो। अच्छा मेरी बात सुने ना, मैं लेट मी कैरी ऑन। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के दो तीन जो मेजर जो इश्यूज हैं उसके अंदर एक सबसे पहले आ जाता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो उसका मतलब है कि मुआशरा जो है ना ये मुल्लाज़ादा मुआशरा है, ये मुल्लाज़ादा मुआशरा है ना, ये आपको कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाने देगा। ये इंडिया को, ये उनको जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, जितने भी अमेरिका, उनको अपना दुश्मन समझता बचपन से,
हमने 70 सालों में एक ही चीज़ देखी है जी, वो युद्धोनिसार आपके दुश्मन है, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज लगा लें कि सऊदीया के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, टर्की के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, यूएई के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, पूरा मिडल ईस्ट क्या उनके सारे, और हम इसी मजहब की कैद में बैठे हुए हैं, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और ये हमें बाउंड नहीं करता सर, मजहब तो कहता है कि पूरी दुनिया के साथ आप ट्रेड करो, दीन तो ये कहता है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करो, चाहे वट जो भी कास्ट है, जो भी रिलेशन उनका रिलीजन है, डजंट मैटर, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मज़हब की कैद है ना, इसने मुसलमानों को जो है ना एक घर के अंदर बंद कर दिया है, इनको बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस हद तक हम डरे हुए हैं, इतने डरपोक हैं, हमारे रूलर्स भी जो है ना वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, रूलर हमारे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि वो मुल्लाओं की इजाज़त के बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। जबकि इंडिया, फिर उसके बाद यूएई, टर्की, सऊदी अरब, वो इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल के, मुल्लाओं की कैसे निकल के दुनिया में उन्होंने नाम बनाया। पाकिस्तान आज भी थर्ड वर्ल्ड नहीं है, ये फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ पर मुल्ला ज़्यादा मुआशरा है। ये आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तरक्की उस दिन करेगा जिस दिन मुल्लाओं से निजात हासिल करेंगे। जब तक मुल्लाओं का इस मुल्क में चौधराहट है, उनकी बदमाशी है, ये आपको दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। सही, बिल्कुल सही हो गया। मैं सर एग्री भी करता हूँ कई बातों से आपके। सर क्या वजूहत देखते हैं आप? दूसरी तरफ यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते, नरेंद्र मोदी की बात सुनते जज्बाती हो जाते हैं, हमारा खून खोलने लग पड़ता है हमारी आवाम। मैं आपको एक बात बताऊँ, बात बला क्या, इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को कड़वी बातों कहते हैं, रियलिटी इज़ बिटर एंड अनकम्फर्टेबल, हकीकत जो होती है बड़ी तल्ख होती है, इसको हजम करना किसी किसी के बस की बात है। हमारा जो आपने बात कही है ना कि लोग फ्रस्ट्रेटेड, जो गुस्से में जज्बाती आते हैं, उसकी वजह है, मैं आपको उसकी वजह बताऊं, हमारा मुआशरा तकरीबन मोर देन 75% या मोर देन 80% जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म है। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहा पसंद सोसाइटी हैं, कि हम लोग जो है ना मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है हमारी, कि हम लोग जो है ना बच्चा बच्चा चलता फिरता बरूद बन गया इस मुल्क का, कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें। मैं आपको सबसे बड़ी बड़ी एक शर्म वाली बात बताऊं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के, हमारे मुल्ला वेस्टर्न वर्ल्ड के लिबास से नफरत करते हैं, नफरत नहीं हसद करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके कल्चर से, उनकी ज़ुबान से, उनके रहन सहन से इतना हसद करते हैं, इतना हसद करते हैं कि इन्होंने ये जहर नौजवानों में भी मुंतकिल कर दिया है, कि अब ये आलम आ गया कि आप किसी के सामने कहें कि योदो वेस्टर्न वर्ल्ड जिंदाबाद तो आपके पीछे बढ़ जाएंगे, मार देंगे आपको। ये इस मुल्क को आपको मुल्लाओं से निजात दिलाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है या चाहे आर्मी है, वो मुल्लाओं की मर्जी के बगैर एक इंच नहीं चल सकते। इस हवाले से कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशन मजबूत होने कैसे होने चाहिए, मुल्ला अपनी चौतराहट दिखाएंगे, ज़रा सी बात के ऊपर सड़कों पे आ जाएंगे, अपने घर को आग लगाएंगे, और दुनिया तो तमाशा देखेगी कि आप नुकसान अपना कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो आज भी कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब रहेंगे। आप इसी चक्कर में लड़ के अपने आप को नुकसान पहुंचाया और कौम भी बर्बाद कर दी। पांचवी बड़ी मैशत बन गया इंडिया। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि एक मुल्क क्यों तरक्की करता है? क्या ये जो उनसे हमारे ड्राइवर भाई ने बताया कि इंडियंस आप लोग बहुत खुशकिस्मत कौम हो कि आप लोगों को एक मलंग आदमी मिला है जो कि अपने मुल्क के लिए काम करता है, क्या ये आदमी सही बोल रहा है? देखें, मैंने आपको कुछ रीजन बताई हैं कामयाबी की। सबसे बड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान, जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो। दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। ये दूसरा पहलू मैं आपको बता रहा हूँ, करप्शन एक इतना बड़ा नासूर बन चुका है। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो MQM है, चाहे ANP है, यही पाँच जमाती है ना मेन। अब मसला ये है कि इनकी लीडरशिप से लेकर नीचे तक सब करप्ट है। मैं ये, अगर हम लोग के जहालत की यह आलम है, त्रिकेन साहब वाले कहते हैं हमारी पार्टी सबसे अच्छी, नून लीग कहते हैं सबसे अच्छी हमारी, पीपल पार्टी कहते हैं सबसे अच्छी हमारी, हकीकत ये है कि सारी लीडरशिप अंदर से मिले हुए आपस में, ये सारे आपस में आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, सारे कारकुन जो है ना बेवकूफ़ आवाम है। इस पार्टी की जो आवाम है वो बेवकूफ़ है, इस पार्टी की आवाम बेवकूफ़ है, जिसकी वजह से सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं, उन्होंने सब कुछ लूट के ले गए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज से 1.5 साल पहले एक चीज़ 50 की थी, आज 100 की हो गई है,
उसकी वजह ये नहीं है कि इन्होंने कर्जा उतारा है, उसकी वजह ये है इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी से किकबैक्स लिए हैं, कमीशनें ली हैं और कंपनियों को अथॉरिटी दे दी है कि आप 50 की चीज़ 100 की बेचो, हमारा हिस्सा यहाँ रखो, हमारी कमीशन यहाँ रखो, हमारी किकबैक यहाँ रखो, आपको खुली अथॉरिटी दी जाती है। जब यहाँ पर आर्मी भी करप्ट है, सियासतदान भी करप्ट है, लीडर भी करप्ट है, जिसकी वजह से अवाम जो है ना वो इतनी बदजन हो चुकी है कि अवाम चोरी चकारी पे आ गई है, डकैतियों पे आ गई है और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है। सर, आप पाकिस्तानी है ना वाकई में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। मैं आपकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारी सोच महदूद है। हम समझते हैं कि हम सबसे सुपर पावर, हम एटम बम बनाने की वजह से पाकिस्तान सुपर पावर बन गया, जो कि गलत सोच है, जो हम समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं, हम मुसलमान सबसे अफजल। देखें, मुझे हसन निसार की बात बड़ी पसंद है, वो कहते हैं वी आर दी बेस्ट ने मेमरवादिया, वी आर दी बेस्ट ने मेमरवादिया। देखें, बात भला क्या है, हमें सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बड़ी मैं तलक बातें कर रहा हूँ कि सुई से लेके जहाज तक सब वेस्टर्न वर्ल्ड ने याद किया। सही बात। आपने पैंपर नहीं याद किया, आपने गाड़ी का वाइपर नहीं याद किया आज तक, आपने माचिस नहीं याद किया आज तक। आप किस हैसियत से वी आर दी बेस्ट है, पहले मुझे ये तो बताओ। वेस्ट की बात कर रहे हैं आप, वेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारे साउथ एशिया की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वो देखे टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया। देखें, इंडिया हर चांद पे चला गया। इंडिया के अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के अंदर वो कोई भी मजहब की कैद से वो आजाद हो गए हैं। वहाँ पर उनकी जो स्टेट है ना वो सेकुलर स्टेट है, नेशन फर्स्ट नहीं, नहीं सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब यह होता है, स्टेट जो होती है ना वो न्यूट्रल हो जाती है, वो कहती है भाई हमारा किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, आप शलवार कमीज पहनो, आप जीन्स पहनो, आप निकर पहनो, आप स्कर्ट पहनो, हम आपको आज़ादी देते हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं और वो वहाँ पर बिजनेस भी आता है, वहाँ पर तजारत भी आती है, वहाँ पर ट्रेड भी आती है, इकॉनमी भी मजबूत होती है। पाकिस्तान में मसला इसके बरक्स है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मजहब के नाम पर अगर आपने ज़रा सी किसी ने तजलील कर दी, आपको वहीं पर मार देंगे। जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते, डरते हैं। जब पाकिस्तान का बदनाम नाम जो है ना पूरी दुनिया में बदनाम होता है, इस्लाम का नाम बदनाम होता है, तो यहाँ पर आता ही कोई नहीं। जिसकी वजह से ना इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर अंदाज़ लगाने के दहशतगर्दी है इतनी ज़्यादा। जब इतनी दहशतगर्दी हो के कौन यहाँ पर बिजनेस करेगा? और श्रीलंकन के साथ क्या किया हमने? श्रीलंकन के साथ, श्रीलंका का देखें शहरी को वजीराबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर जिंदा जला दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमें इतना तो कम से कम सोचना चाहिए, इतनी तो अकल होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हमारा पैगाम क्या जाएगा? हमने तो मजहब के नाम पे उसको मार दिया, लेकिन पूरी के अंदर पूरी बस्ती जला दी, जड़ावाला के अंदर हमने 25 चर्चों को आग लगा दी। क्या ये अल्लाह का दीन ये पैगाम देता है? नबी की सीरत हमें ये पैगाम देती है, अल्लाह के नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें ये पैगाम दे के गए थे कि अकलीतों को जिंदा जला दो, उनके चर्चों को आग लगा दो। ये हमारी अल्लाह के, ये तो हम लोग अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें रो रो के कि हमें किस मुसीबत में डाल दिया। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने, इस मुल्क को मौलवियों से पाक किए बगैर आप एक इंच तरक्की नहीं कर सकते। मौलवी ज्यादा मौजूद कहते हैं कि यहाँ पर फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, जो हम कर रहे हैं इस पर हम पर्दा डालते हैं। ये बात है, यही बात मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना हम जरा सरा वहाँ पर एक परिंदा भी पर मार जाए ना तो हम लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जहाँ पर अकलीतों को जिंदा जला दिया जाता है, चर्चों को आग लगा दी जाती है, मंदिरों को आग लगा दी जाती है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी चीफ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ आर्मी के पूरे जनरलों से, आईएसआई से, खुदा के वास्ते इन मुल्लाओं की परवरिश करना छोड़ दो। इन मुल्लाओं को इतना ज़्यादा मत इनको प्रमोट करो कि ये चौधरी बन जाए, बदमाश बन जाए, जिसको दिल किया कत्ल कर दें। इन लोगों को इतना प्रमोट मत करें, इनके इजाजत से मत आगे चलें। के नाम पर हम, हमारे यहाँ पर जड़ावाला का वाकया होता है। हाँ। अगर बात करूँ कराची के अंदर दो मंदिर को डिमोलिश किया जाता है। हाँ। यहाँ पर सियालकोटी को जलाया जाता है। हम खुद कहते हैं हम सेकुलर नहीं होते, हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया सेकुलर क्यों नहीं होता, वहाँ पर हिंदुइज्म को खत्म क्यों नहीं किया जाता? हम यहाँ पर पहले अपने आप को ठीक करने के बाद इंडिया की बात क्यों नहीं करते, पहले ठीक अपने आप को क्यों नहीं करते? देखें, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग जो है ना, हमारी जो मसला सिर्फ ये हुआ कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, अवाम ये इनको बहुत प्लानिंग के साथ बना दिया गया है, जाहिल इनको इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ जाहिल बनाया गया है कि अब ये आप जो मर्जी कर लें, अब ये बारूद बन चुकी है अवाम, अब ये चलता फिरता बारूद बन चुकी है। ये मजहब के नाम के ऊपर अवाम की इनकी इतनी ब्रेन वाशिंग, और ये बड़ी प्लानिंग के साथ ब्रेन वाशिंग की गई है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो नामवर उलमा हैं उनको हायर किया गया इस वाम को जाहिल बनाने के लिए। नेल्सन मंडेला का कॉल है कि किसी मुल्क को तबाह करना है तो उस मुल्क के अंदर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट डाल दो, उसके यही तो मामला हुआ है पाकिस्तान को मजहबी एक्सट्रीमिस्ट ने। मैं आपको अभी बात बताऊँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे खदशा है, आई हैव एप्रीहेंशंस
मुझे इस चीज़ का बड़ा शदीद खदशा है। वो वक़्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मज़ीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई, पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से निकाल देना है, इनको निकाल देना है वहाँ से, अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए इनको उन्होंने वहाँ से निकाल देना है, इनकी वेस्टर्न वर्ल्ड में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अभी मुझे डर है, मुझे खदशा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे, तो क्योंकि ये हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर मसला एक और है, मैं कैमरे की तरफ देख के मुहातब हूँ पूरी पाकिस्तानी आवाम से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, आर्मी से, कि अगर आपने मजहबी रैली जो जिन्होंने कत्ल गारत की है, मजहब के नाम पर चर्च जलाए, जिंदा जलाया, उनको जब तक क्रेनों पर लटकाया नहीं जाएगा, ये मुल्क का एक ही हाल है कि क्रेनों पर लटका दिया जाए जो किसी को जिंदा जलाता है, जो चर्च जलाता है। एक दफ़ा जिंदा उनको लटकाएं, मजाक, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ अगले 100 साल तक भी यहाँ कोई जुर्म नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, आई अप्रिशिएट यू कि हमारे मुल्क के अंदर रहते हुए एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखना, इस तरह की सोच गाइस अगर हमारे मुल्क के अंदर पूरे के एक एक बच्चे को दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, तो हम भी आज इंडिया बन जाएंगे, हम भी आज दुनिया के वेस्टर्न यूनियन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उस तरह बन सकते हैं या नहीं बन सकते। आज जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है उसके पीछे की क्या राज है, एजुकेशन है या फिर हमारे ये जो सा मौजूदा तालीमी निज़ाम है ये पढ़ के हम तरक्की करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है ना वो उसके पीछे जो राज है ना वो राज ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन। अब एक बड़ी सिंपल फार्मूला है मैं आपको बताऊं, ये रवायत प्रस्ती जो होती है ना ये एक जहर होती है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म जो होती है ना एक जहर होती है किसी भी कौम के लिए। हमारी मसला ये है कि हमारी कौम जो है ना वो रवायत प्रस्ती से बाहर निकलने नहीं चाहती, हम लोग जदीदियत जिसे मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं उसकी तरफ जाने ही नहीं चाहते। हम यहाँ पर साइंस को छोड़कर जहाद के पीछे जा रहे हैं, हाँ। क्या विदाउट साइंस के जहाद हो सकता है इस टाइम के? देखिए मेरी बात सुने, जहाद की जो टर्म है ना वो हर वक्त के हिसाब से अच्छी लगती है, ठीक है। अब जहाज जो है वो टेक्नोलॉजी में आ गया, उस जहाज को छोड़ें, अब आ गया वो क्या कहते हैं वो जो इंटरनेट के ऊपर जो सोशल मीडिया के जरिए जो जहाज हो रहा है, सोशल हो रही है, ठीक है, उसको क्या नाम दे रहे हैं मुझे याद नहीं आ रहा, एक बड़ी खास टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए, ठीक है। अब वो वार लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया की वार लड़ी जा रही है, दिमागों की वार है सारी, कि जितना ज़्यादा किसी कौम को साइबर वार हो रही है, ठीक है, साइबर क्राइम जो भी कह लें इसको वार। अब उसके जरिए ये होता है कि लोगों के जो ब्रेन है ना उसको मऊफ कर दिया जाता है, उनको इतना ज़्यादा उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है कि वो अपनी फौज से ही नफरत करना शुरू हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो अवाम है ना उनके अंदर इतनी ज़्यादा नफरत आ चुकी है अपने इदारों के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में, लेकिन इसकी जिम्मेदार आर्मी बहुत ज़्यादा आर्मी भी है जो करप्ट सियासतदानों को हुकूमत में लेकर आते हैं, वो लूटमार करते हैं, और अवाम सियासतदानों को गाली नहीं निकालती, अवाम अपनी आर्मी को गाली निकालती है, और यही हमारा दुश्मन चाहता था और वो कामयाब हो गया। बिल्कुल सही हो गया सर। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, जिस तरह से हमारे एक ड्राइवर ने उधर यूएई के अंदर जाकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमारे पास भी कोई एक ऐसा लीडर हो, पूरी दुनिया हमारे लीडर की भी तारीफ करे? क्या लगता है कि आपको लीडर कैसे पैदा होते हैं, लीडर कैसे बनते हैं? नरेंद्र मोदी क्या वाकई में अपने मुल्क के लिए बड़ा लीडर है? देखें नरेंद्र मोदी लीडर बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुशियात आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, वो बता रहा था तोशाखाना से मैंने जितने भी गिफ्ट लिए मैंने सारे के सारे जो है ना वो उसको बेच के गरीबों की मदद की, मैं अपनी जेब में 1 रुपया नहीं लेके गया, बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ किया, बच्चियों की तालीम के लिए उसने डिजर्व कर दिया सारा का सारा। यहाँ से पता लगता है कि लीडर में और सियासतदान में क्या फ़र्क है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूँ, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से कि हम पिछले 75 सालों में एक भी लीडर प्रोड्यूस ही नहीं कर सके, एक लीडर पैदा ही नहीं कर सके, हमारी आवाम इतनी जाहिल है कि इतनी आप लीडरों के साथ ये करोगे, जिसने आपको एटम बम बनाकर दिया, सड़कों पर मार दिया, जिसने आपको मुल्क आजाद करवा दिया, उसकी एम्बुलेंस खराब करके मार दी, देखें मानते ही नहीं लीडर्स को, जब हम मानते नहीं है। देखें बात भला क्या है, मैं लीडर उसको तब मानूँ जब वो नौजवानों को लेकर हुकूमत में आए। लीडर क्या करते हैं, लीडर ये करते हैं वहाँ से एक 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 उस शहर से पकड़ा, एक उस जमात से पकड़ा, एक उस जमात से पकड़ा और मिलके पार्टी बना लेते हैं। लीडर वो होता है जो कि नौजवानों पे इन्वेस्टमेंट करे, नौजवानों को पढ़े लिखे नौजवानों को ऊपर लेकर आए, पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर एक जज्बा होता है आगे बढ़ने का, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो जब वो नौजवानों को लेकर आएंगे तो तब लीडर की तो मुल्क छोड़ने लगता है। यहाँ पर तो मसला ये है कि लीडर जो है ना लीडर वो सारे के सारे करप्ट हैं,
सच्ची बात है, सारे लीडर करप्ट हैं। ये आवाम का इत्माद ख़त्म हो गया, सियासतदानों के ऊपर से, आर्मी के ऊपर से भी इत्माद ख़त्म हो गया। अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफज है, ये अल्लाह की ज़ात है कि शायद बचा ले तो बचा ले, वरना हमने अपनी बर्बादी, तबाही और गड़ा खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यकीन करें कि आज पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी एजुकेटेड पर्सन अभी जिंदा हैं। जब तक आप जैसे लोग रहेंगे, हम ज़रूर तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टॉकिंग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अपना आप मुझे बताएँ कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका, उसकी क्या वजूहत है? एक मिनट गाइस, अब ये यहाँ पर मौजूद ऑडियंस से पूछ रहे हैं सर के जो इन्होंने राय दी है, इनसे कितने लोग मुतफिक करते हैं या कितने लोग नहीं करते? अब इन्होंने इनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान की तरक्की ना करने के पीछे वजह क्या, ये बताएं। और मैंने जो बात की है, अब इस आवाम के शऊर का इम्तिहान है कि वो मेरी बात को कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं। सर हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है, जैसे कि भाई ने बात की कि हम सब करप्ट लोग हैं, हमारे हुक्मरान जितने भी करप्ट हैं, पहले तो हमें खुद अपने गिरेवाल में जाके झांकना चाहिए कि हम क्या हैं, हमने क्या किया इस मुल्क के लिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं कुछ करेंगे तो हम किसी को क्या कहेंगे। मैं ना यहाँ पर मेरा ये डेली का काम है, अब मैं इन्हें कसौटी पर पूरा देखना, मैं कसौटी पर डालूंगा ये पूरा उतरते कि नहीं उतरते। आज मौजूदा टाइम के अंदर हम ज़्यादा पावरफुल हैं इकोनॉमिकल लिहाज से या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? वो इंडिया है। अच्छा। वो इस वक्त इंडिया इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो अपने हुक्मरानों को जो आगे लेके आते हैं उनको इज्जत देते हैं। हम लोग खुद गालियाँ निकालते हैं, पहले लेके आते हैं और फिर बाद में गालियाँ निकालते हैं। पहले हमें अपने लहजे और अपनी हर चीज़ को सेट करना होगा, फिर हम किसी को बुरा भला बोले, पहले खुद को सेट करना होगा। आप एग्री करते हैं इनसे? मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। किस बात से? उस डिसएग्री इस वाले से करता हूँ कि यहाँ पर आवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं, जो आर्मी फैसला करती है वही होता है। सर एस्टैब्लिशमेंट का एक अपना रोल है, वो अभी हम आउटवेस्ट कंट्रियों में हमने दुनिया के सामने अपनी नज़रिए और हर चीज़ को आगे रखना है। जब यहाँ से जाते हैं, मैं आउटवेस्ट कंट्रियों में खुद काम करके आया हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग ऐसे बात तो करते थे कि वो करप्ट है, वो करप्ट है। मैं आगे जाना चाहूँगा अंकल की तरफ। अंकल जी, आपने हमारी पूरी गुफ्तगू सुनी जी। ये इन सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज़्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज़्यादा मजबूत हो गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज़्यादा हो गया? मोदी पावरफुल हो गया जी। अंकल आप बड़ी मेहरबानी सर आपकी कि आपने शोर दिलाने में कामयाब हो गया। हम थोड़ी देर पहले अंकल कह रहे थे कि भाई हम ज़्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिलाई है, मैं बात सुन रहा था उनकी। देखो ना, गल सुन ही पता चलता है कि होता पे। हाँ जी, साढ़े असी जदों के अपना वक्त पाकिस्तान जो बने है ना, उदो हिसाब लाइए तो अज का तो बड़ा फर्क है। बात वाला क्या है, हमारी जो आवाम है ना, उनको एजुकेट नहीं किया गया, उनको बहुत ज़्यादा गुमराह कर दिया गया, उनको गुमराह इस हद तक कर दिया गया है कि एक फिरका दूसरे फिरके को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जब मैं ये कहूँगा कि फिरकाबंदी कुफर है, फिरकाबंदी शिरक है, फिरकाबंदी जुल्म है, तो फिर उसके बाद फिर